अस्सलाम वालेकुम, मैं फरियाल अली गौहर बात से बात में आपके साथ। आज किससे करेंगे मुलाकात? आज अगर मैं इनका तारुफ सही तरह से करूं, तो जो हमारे 40 मिनट का प्रोग्राम है उसमें 35 मिनट तो वहीं निकल जाएंगे। इन्होंने आसमान को भी छुआ लेकिन साथ साथ ज़मीन पर पांव मजबूती से जमा कर रखे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रहीं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शायद पाकिस्तान में पहली बार एक खातून रहीं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज में इन्होंने तालीम और आउटरीच के हवाले से यूनिट हेड किया। कई रिसालों के लिए ये लिखती रहीं और लिख रही हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। ख्वातीन के हकूक, मज़दूरों के हकूक और माहौल की हिफाजत के लिए ये लड़ती रही हैं और काम करती रही हैं, मीडिया को ट्रेन करती रही हैं। अभी भी एक छोटे से शहर से वापस कराची आई हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अपनी दोस्त और अपनी इंस्पिरेशन के साथ हूँ। आफिया सलाम। सलाम आफिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आप बिल्कुल ठीक। कुछ रात पहले ही वापस आई हैं रहीम यार खान से। बिल्कुल। क्या कर रही थी वहाँ? वहाँ पे वहाँ के जो जर्नलिस्ट थे, बल्कि सिर्फ वहीं के नहीं थे और पंजाब के और इलाकों के से भी वहाँ आए हुए थे, उनका एक बूट कैंप था। बूट कैंप से मुराद? बूट कैंप ये कि आपकी एक जगह पे एक ट्रेनिंग भी हो रही है, वहीं पे फील्ड ट्रिप पे भी अरेंज किया ताकि आप जाके देखें कि माहौल को किस तरह से, क्या खतरात हैं, क्या वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर उसके बारे में उस तरह से रिपोर्ट करें जिस तरह से माहौल को रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी कमी है हमारे यहाँ। आफिया, आप गालिबा 2-3 दिन पहले रहीम यार खान से वापस आई हैं, वहाँ क्या करने गई थी? हाँ, तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैं वहाँ थी और वहाँ पे जो एक पाकिस्तान का इदारा है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज़्म, उन्होंने एक ट्रेनिंग का इनेकाद किया हुआ था जिसमें माहौलियाती सहाफ़त किस तरह करनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारी फैसिलिटेटर या ट्रेनर बने। तो क्या माहौलियाती सहाफ़त सही तरह से नहीं होती रही? नहीं हो रही है। बहुत सी दूसरी सहाफ़त भी उस तरह से नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए सहाफ़त, लेकिन माहौलियाती सहाफ़त के जो कुछ मखसूस पहलू हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं है। आप मीडिया की ट्रेनिंग काफ़ी अरसे से कर रही हैं, क्या हमें अपने स्कूल्स में नहीं शुरू करना चाहिए ये जो एक अवेयरनेस हमें जो बेदारी एक पहुंचानी है, तो स्कूल के लेवल से? देखिए, मैंने यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी पढ़ाया है माहौलियाती सहाफ़त, और मैंने यही देखा कि इतना रॉ आते हैं यूनिवर्सिटी की स्टेज पे कि इसका मतलब है हमारे स्कूल कोई बेसिक नॉलेज नहीं दे रहे। बेसिक जो हम एक जनरल साइंस पढ़े थे, मैट्रिक किया था 8वीं क्लास में, जनरल साइंस की किताब होती थी, वो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में अब तक हैं, लेकिन आजकल बच्चों के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उनको समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत बेसिक चीज़ें बतानी पड़ती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो जो आप कह रही हैं कि स्कूल में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो निसाब में ये शामिल नहीं है? नहीं, निसाब में शामिल नहीं है। निसाब में पहले जिस तरह से ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता था वो भी नहीं है उस तरह से, और ज्योग्राफिया तो सिर्फ एक प्योर साइंस है ना। अब क्लाइमेट चेंज जो है उसमें तो आपको देखना है कि इंसान के ऊपर किस तरह से वो असरात हैं और इंसानों का आपस में क्या अमल दखल है, और जो भी कोई जिंदा चीज़ है, हर चीज़, हैवान, मतलब इंसानों का ही अमल दखल, हैवानों के लिए भी खतरा है, तो इन तमाम चीज़ों का एहसास नहीं है, सिलेबस पे तो है ही नहीं है। तो आफिया, मैं समझती हूँ कि जब इतना बड़ा मसला उसका सामना हम कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, और ये चीज़ अभी हमारे सामने आ गई है, द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग, इट्स एन अनडिनाइबल फैक्ट, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सरकार में जाकर निसाब की बात करें, निसाब में इस चीज़ को शामिल करें? अच्छा, टू बी फेयर, सरकार को इस चीज़ का एहसास है और करिकुलम इंटरमीडिएट तक डेवलप हो चुका हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक उसको हिस्सा नहीं बनाया गया। मौजूदा जो करिकुलम है, मौजूदा निसाब में उसकी कहीं गुंजाइश नहीं बन रही, और मुझे जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज का अगर निसाब बनाया गया है जिसको वो चाह रहे हैं कि आप देखिए कि हमारे यहाँ कोई एक इजाफी मजमून की कहीं कोई गुंजाइश बनती नहीं है, ठीक, तो उसमें हमें ये समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज साइंस का भी के निसाब में उसका हिस्सा होना चाहिए, आपके ज्योग्राफिया में भी उसका हिस्सा होना चाहिए,
आपके जो सोशल इंटरेक्शन हैं, आपके क्रिएटिव चीज़ों में भी हिस्सा होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि किस तरह से डील करें गेम्स में, यानी इसके मुतालिक लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई ज़िंदगी का शोभा ऐसा नहीं है जो इससे गैर मुतालिक हो। तो ये जब एहसास होगा तो फिर करिकुलम को, निसाब को एक नई नज़र से हमें देखना पड़ेगा। इसका ये नहीं होगा कि ये क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट ऐड कर दें, अव्वल तो ऐड होगा नहीं। ये भी आपको पता है हमारे कितने वो स्ट्रेट जैकेटेड किस्म के तरीके हैं कि ये इतने सब्जेक्ट होंगे, इतने घंटे की पढ़ाई होगी, इतना सेट, तो उसमें आपके उसमें कोई अमेंडमेंट्स, कोई चेंजेस, कोई इनोवेशन उसमें नहीं है। आपको फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से स्पेसिफिक चीज़ें मिलती हैं, आपको एनवायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट मिलते हैं, आपको उसी तरह से और चीज़ों में, जैसे आप जेंडर, जब जस्टिस की बात आती है तो लॉ के अंदर आपको एनवायरमेंट के एलिमेंट्स मिल जाते हैं, आपको जेंडर अवेयरनेस अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें। लेकिन एक जो एक इंटरसेक्शनैलिटी है इस टॉपिक में, एक जो उसका जो एक होलिस्टिक व्यू नहीं, क्लाइमेट चेंज का असर हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर है। आपने जेंडर जस्टिस का जिक्र किया, थोड़ा सा अगर आप हमें इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी लड़ती रही हैं, इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट जस्टिस और जेंडर जस्टिस, इनका मेल, इनकी जो इंटरसेक्शनैलिटी है, इंटीग्रेशन जो है, वो थोड़ा सा अगर आप समझा सकें कि पाकिस्तान में हमको किस तरह से देखना चाहिए। देखिए, एक तो बात यह है कि हम सिर्फ नंबर्स को ना देखें, एक क्वालिटेटिव चीज़ होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिवली ख्वातीन का रोल, सोशल रोल या सोशल परसेप्शन उनकी वो नहीं है जो एक मर्द की है, तो उनकी आवाज़ डिसीशन मेकिंग में नहीं कहीं नज़र आती, और ना फिर रिस्पॉन्स में उनका कोई हिस्सा होता है। अगर मैं सिर्फ दो या तीन छोटी सी मिसालें दे दूँ, पानी लाना औरत का काम है, क्यों? फितरी तौर पे तो मर्द और औरत दोनों के दो हाथ हैं, टांगे हैं, वो दोनों ला सकते हैं। कल्चरली औरत जाती है पानी लाने के लिए, बीमार होती है तब भी जाती है, फुल टर्म प्रेग्नेंट होती है तब भी जाती है, रास्ते में बच्चे को जन्म दे के उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काट के बगल में बच्चा और पानी का वो बर्तन साथ ला रही होती है, और जब वो पानी ले आती है तो उसका मर्द जो है वो मुँह हाथ धोकर, आंखों में सुरमा लगाकर वो जाकर अपनी बीड़ी पीता है कहीं बैठकर किसी दरख्त के। अच्छा, उसकी मैनेजमेंट भी उसका काम है। अगर किसी वजह से बच्चे होते हैं, बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ज़ाया भी कर लेते हैं, वो दिन में कई चक्कर लगा के वो ज़रूरतें पूरी करती है। और जैसे जैसे असरात क्लाइमेट चेंज के बढ़ते जाएंगे, वो जो फासला है जी, जो उसको तय करना है, यही बात है, धूप में, कड़क धूप में नंगे पाँव जब वो जाती है तो वो अब वो दूर होता जा रहा है, जहाँ से जो भी पानी का ज़खीरा है वो दूर होता है। एक ये वजह है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि ये इसकी रियलाइजेशन इस पूरी क्लाइमेट चेंज की जो गुफ्तगुशनीद है उसमें बहुत देर में आई है कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन भी हो रही है, हमारे मुल्क में भी हो रही है, ठीक है। अब वो जब आपके ख़वातीन का एक मखसूस रोल है जिसमें उनको इस तरह से सोशली वो इंटरेक्ट नहीं करती जिस तरह से मर्द कर सकते हैं, उनके अपने ही मर्द कर सकते हैं, तो जब वो डिस्प्लेस होती हैं अपने उस जगह से जहाँ पे उनके रिलेशनशिप्स बनी हुई होती हैं, हो सकता है अगले गांव में उसका मैका हो, करीब में और कोई हो, वो जो दुख सुख जिनके साथ किया जा सकता है, ज़रूरत के वक्त कोई मदद पहुँचाए, तो वो टूट जाते हैं रابطे, और वो रابطे आपके दोबारा नहीं बन पाते। क्योंकि जब आप अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप गैरों के दरमियान होते हैं, गैरों के दरमियान सबसे पहली जो ख़वातीन की चीज़ कॉम्प्रोमाइज होती है वो उनकी मोबिलिटी होती है, कि जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे आपको निकलने देते हैं ना सिर्फ ये कि महफूज नहीं है, लेकिन जो है कि भाई ये फलाह के सामने आप ऐसे सामने नहीं आ सकते। महफूज इसलिए भी नहीं है ना कि आप नई जगह पर गए हैं तो आप रह रहे हैं, एब्सोल्युटली, तो आपका वो जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो तो पीछे रह गया ना, या टूट गया, या फिर ये कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ बूढ़े मर्द और बाकी सिर्फ औरतें बच्चे रह गए हैं, जो जवान हैं वो दूसरी जगह जाना पड़ा है, दूसरी किस्म के उन्होंने कोई रोज़गार तलाश करना है, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उनके मौजूदा रोज़गार था वो अब है ही नहीं। तो बहुत मसाइल हैं। हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं ज़्यादातर जो दही इलाकों में आबाद हैं, उन पर अगर आप हमें मोटा मोटा ये समझा सकें कि एक तो पानी की किल्लत और फिर सैलाब, दोनों चीज़ें साथ साथ, यानी पानी के ज़खीरे क्या हम नहीं बना सकते ताकि पानी हम बचा सकें बह जाने से। दूसरा जो इशू बहुत अरसे से दिख रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जहाँ जहाँ दरख्त कटते जा रहे हैं तो मिट्टी की पकड़ नहीं रहती, तो वहाँ से सैलाब आना शुरू हो जाता है, मिट्टी जो है वो बह जाती है,
वो जगह फिर जरखेज़ भी नहीं रहती। अब हमने ख़ुद देखा है कि 2010, 2011, फिर 2022 में अब जो प्रोग्नोसिस है इस बीमारी का, ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान इससे बच सकता है? नहीं, पाकिस्तान देखिए, कई चीज़ें आप की ज्योग्राफी आपके लिए डिसाइड करती है। यस, मेरा सब्जेक्ट आपने मेंशन किया, लेकिन वो उसमें आपका अपना हाथ नहीं है। अगर यहाँ आना है सैलाब, अगर मानसून शिफ्ट हो गया है और बारिश की मकदार भी अब वो नहीं है जो पहले थी, जिसके लिए आप तैयार, ना सिर्फ तैयार होते थे बल्कि दुआएं करते थे कि ये बारिश आए, हमारी फसलें फलें फूलें, वो तमाम चीज़ें जब बदल रही हैं तो उसके लिए तैयार तो हम नहीं हैं। और तैयारी होने के लिए भी आपको वसाइल भी चाहिए होते हैं, सिर्फ आपका अपना एक एहसास नहीं कि जी हाँ हमें पता है कि हमें ख़तरा है, उस ख़तरे को टालने के लिए भी कुछ करना है, उस ख़तरे से अपने आप को महफूज रखने के लिए भी वसाइल चाहिए होते हैं, वो बहुत नाकाफ़ी हैं। दूसरी बात ये कि ये चूँकि जैसे पहले मैंने कहा कि सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये इसको सेक्टर्स के अंदर जकड़ दिया गया है। पानी के बारे में फ़ैसले कोई और करता है, लेकिन पानी इस्तेमाल सब करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि पानी या बहुत होता है या बहुत कम होता है, दोनों ही तरह के डिज़ास्टर्स हैं ना, लेकिन क्यों अब तक इसके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इसकी भी आगाही नहीं थी कि हमें इसके लिए क्या इंतज़ाम करना है। वो दो तीन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके रोमांस में हम 60s से फंसे हुए हैं, अभी भी उन्हीं की बात हो रही होती है। नहीं, लेकिन हाल में कम से कम हमारी तरफ से तो, सरकार की तरफ से तो वफ्त कई जा चुके हैं, कॉप पर जा चुके हैं, जितने भी क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं उधर हमारी प्रेजेंस ज़रूर होती है। हमारी एक मतलब एक मिनिस्ट्री बन चुकी है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, फिर भी आगाही नहीं है। तो बात यही है ना कि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री का क्या मैंडेट ही नहीं है कि वो पानी के बारे में फैसले करे? लेकिन क्लाइमेट चेंज पानी की मिनिस्ट्री के अंदर एक कमरे में, मैं खुद गिन कर आई हूँ, एक कमरे में 4 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, उनकी पूरी एक दीवार जो है वो शीशे से बनी है, वो रिफ्लेक्टिव ग्लास है, और उसके अंदर उन्होंने प्लास्टिक के प्लांट्स जो बूटे होते हैं वो लगाए हुए हैं। अब क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, जिसको मतलब एक शऊर उनको होना चाहिए कि एक तो कार्बन फ्लोरो जो आपकी इमिशन जो हैं CFCs जो हैं वो एयर कंडीशनिंग से और ज़्यादा फैलेंगे, फिर ऊपर से आपने बजाय कि आप एक ज़िंदा पौधा रखें आपने प्लास्टिक के रखें, फिर आपने जो बिल्डिंग डिज़ाइन की है या जो रेंट की है वो कार्बन फुटप्रिंट बहुत हाई छोड़ के जा रही है, और आपको उसको कूल रखने के लिए या हीट करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, इस किस्म की आगाही नहीं है। ये तो यही तो तादाद हैं जो मैं बता रही हूँ कि हर एक अपने अपने डब्बे में बैठ के काम कर रहा है। वो बिल्डिंग ज़ाहिर है ना मिनिस्ट्री ने बनवाई ना बनाई, उनको दे दी गई कि आपने इसमें बैठना है, बनाने वाला कोई और इंजीनियर था जिसको इसी तरह की बिल्डिंग्स बनानी आती हैं। अब जब वो ग्रीन बिल्डिंग्स की बातचीत होती है तो वहाँ पे जो बनाने वाले, जो आपकी आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स के जो कम्युनिटीज़ हैं, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। सो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री तो पॉलिसी की मिनिस्ट्री है, वो ये नहीं बता सकती कि आपने मेरा पिलर किस मटेरियल से बनाना है, कि उनका काम है इन चीज़ों की तरवीज करें, आगाही दें, वो काम कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये भी तो पॉलिसी, और ये वो कह नहीं सकते कि हम इस बिल्डिंग में नहीं बैठेंगे, हम कहीं पे तंबू लगा के बैठते हैं जब तक आप अपने बिल्डिंग ना बनाएं। पॉलिसी में पानी की हार्वेस्टिंग, उसके जखीरे बनाना, ये भी तो पॉलिसी है। बिल्कुल पॉलिसी है, ये भी तो पॉलिसी है कि जंगलात का ना कटना, ये भी पॉलिसी है। बिल्कुल तो है, ये क्या पॉलिसीज हैं लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इसलिए कि इसकी आगाही नहीं है। ज़्यादातर उन लोगों तक नहीं ये जाती आगाही जहाँ से इम्प्लीमेंटेशन होनी होती है, वो ट्रिकल डाउन नहीं होता, क्योंकि आपको उन लोगों को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया जाता। जो सड़क पर ठेकेदार अगर बना रहा है, वो कहते हैं अरे ये रास्ते में आ रहा है, दरख्त खड़ा, दरख्त काट दिया, वो सामने वाला होटल वाला निकल के आता है, मेरा साइन बोर्ड छुप जाता है, ये दरख्तों से दरख्त काट दो फिर बना लो सड़क, वो हो जाता है। सो इसका उस पॉलिसी के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा ना, तो इसलिए कि सबको एक साथ बैठा के पॉलिसी नहीं बनाई जाती थी। अब ये ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले कुछ अरसे में, तकरीबन डेढ़ दहाई से ये देख रहे हैं हम कि जो लफ्ज़ जिसको अब बज़वर्ड बन जाता है मल्टी स्टेक होल्डर, अब उस तरीके से बातचीत हो रही है, लेकिन इसका असर आपको बहुत देर बाद नजर आएगा। जो हम 75 साल से हम ये इस तरह से करते चले आए हैं, ये जो एनजीओज की लैंग्वेज है और जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट सेक्टर के जो हमारे डोनर्स हैं, वो तो अरसे से फोकस ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, वो मैं उनका हिस्सा रही हूँ, और मैं काफ़ी, मुझे हैरत हो रही है कि कम अज़ कम 40 सालों से ये काम हो रहा है
उसका क्या असर आपको दिखा है? बहुत स्लो मूविंग असर है वो, इसीलिए है कि हर सेगमेंट अपना अलग अलग काम कर रहा है। देखें, अगर आप वन वर्ड इसका एक रीज़न चाहें ना कि क्यों इतनी बड़ी क्यों तबाही आ रही है, तो वो तो हज़रत इंसान है। हज़रत इंसान के जो एक वो प्रोलिफरेशन है, उसकी वजह से ही ये सारे मसाइल आए हैं ना, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल चाहिए, आपको घर ज़्यादा चाहिए, आपने दरख्त काटे वहाँ पर बस्तियाँ बसाई, आपने जानवर खा लिए बहुत सारे, पता हर लिहाज से जो ह्यूमन फुटप्रिंट है वही इन तमाम मसाइल की जड़ है। लेकिन आफिया, ये सब कुछ बहुत अरसे से चल रहा है, फोकस ग्रुप डिस्कशंस होती रही हैं, मल्टी स्टेक होल्डर हमारे जो एक बजवर्ड जो आप कह रही हैं, 40 साल कम अज़ कम जो 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 मेरी समझ मुझे बताती है कि NGOs भी काम करते रहे हैं और इंटरनेशनल डोनर्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस भी इसमें इन्वॉल्व रही है। आपको अगर असर इसमें मनफी नहीं मुस्बत असर दिखता है तो उसके बारे में हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप हमें बताइए। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आफिया सलाम से बात हो रही है। क्या ये जो काम होता रहा है उसका कोई असर हुआ है मुस्बत? देखें, अगर हमने सोसाइटी के उन कुछ सेगमेंट्स को आगाह कर लिया है जो बिल्कुल बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने अपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं, तो मेरे ख्याल में ये कामयाबी है। हमारी नस्ल के बाद जो अब नस्ल है वो हमसे कहीं ज़्यादा अवेयर है, वो अदर देन एक वो जो कहे ना कि बिल्कुल अपर क्रस्ट, उसके अलावा लोगों में माहौल के बारे में शोर बहुत बड़ा है। यंगस्टर्स काफ़ी उस पर आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं, अपने आप को अवेयर करने के लिए सीखते हैं, इंटरनेशनल फोरम से सीखते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, फिर वो प्लान्स अपने बताते हैं। और जो काफ़ी सैवी किस्म के जो यंगस्टर्स हैं उसमें मैंने देखा है कि वो लीप फ्रॉक करके उस सिस्टम को बाईपास करके वो काम कर रहे हैं। जैसे ये जहाँ हम बैठे हैं, अर्बन फॉरेस्ट है बिल्कुल शहर के अंदर, जहाँ ये एक खाली प्लॉट था गालिबन जिसमें कचरा फेंका जाता था। आपका मेरे ख्याल में काफ़ी तजर्बा है इस काम के हवाले से, इसका थोड़ा बताइए ये कैसे शुरू किया? देखें, ये वो कहते हैं ना पावर ऑफ वन, ये वो पावर ऑफ वन था। शहज़ाद कुरैशी ने इसको इनिशिएट किया था और वो इसी मोहल्ले में यहीं रहते थे। ये खाली प्लॉट ऐसे ही नहीं था, ये डेजिग्नेटेड KMC का पार्क था। जी, ये खाली प्लॉट इसलिए नहीं था कि यहाँ घर बनने थे, ये पार्क ही था, डेजिग्नेटेड ST समथिंग इसका नंबर जो है। लेकिन यहाँ पे कचरा डंप होता था, सारे मोहल्ले का कचरा यहाँ आता था। तो जो मैंने कहा कि जब से इस पर बातचीत ज़्यादा होनी शुरू हुई और इसके बारे में आगाही हुई कि भाई हम किस किस्म के माहौल में रह रहे हैं जो सेहतमंद नहीं है, जो अगली नस्ल को भी इम्पैक्ट करेगा, सो वो उस मिडिल जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने को एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि इसका कुछ करना है। वो KMC के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा ये पार्क मुझे दे दें, इसको रिहेबिलिटेट करूँगा दोस्तों के साथ मिलकर। दोस्त, रिश्तेदार, बच्चे सब मिल मिला के इन्होंने इस पर काम भी किया, सफाई भी की, लेकिन इन्होंने पहले अपने आप को इक्विप किया। ये उनकी बिजनेस नहीं है, वो हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं है, वो बॉटनिस्ट नहीं है, वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी नहीं थे, अब मैं कहती हूँ कि वो हैं। उन्होंने इंटरनेट पे, जो मैंने कहा कि आजकल के दौर में रसाई बहुत आसान है आपके पास, क्योंकि दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं, कोई अजूबा नहीं है जो यहाँ हुआ है। तो उन्हें पता चला कि इंडिया में एक शख्स है शुभेंदु शर्मा, उसने एक जापानी तकनीक से इस तरह से जंगल उगाए हैं अर्बन एरियाज़ में, जो छोटी स्पेस में बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो उन्होंने उस ज़माने में रबते भी थे, इतनी ज़्यादा मुश्किलात भी नहीं थी आने जाने की, उसको यहाँ बुलाया इस पार्क के, उन्होंने सीखा कि मियावाकी वे क्या चीज़ है, फिर लाहौर में लगाया एक जो लिबर्टी में जो उसका सर्कल है उस पर जो पार्क लगाए, वहाँ पे और कुछ लोगों ने इंस्पायर होके उन्होंने भी लगाया। सो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है असल में ये जगह।
अब बिल्कुल है, लेकिन मुझे हमेशा ये ख्याल आता है कि आपने लिबर्टी का जिक्र किया लाहौर में, वो भी खुशहाल लोगों का इलाका है, ये भी जहाँ हम बैठे हैं क्लिफ्टन में, ये भी खुशहाल लोगों का इलाका है। हमारे पास मच्छर कॉलोनी या लियारी या हमारे दूसरे दीगर इलाके हैं, खारा दर है, किमाड़ी है, वहाँ इस तरह की कोई एफर्ट नहीं है। देखिए ये इसको 4 साल हुए हैं सिर्फ, लेकिन 4 साल में इतने इसके कन्वर्ट्स बन गए हैं, ठीक है ना। असल चीज़ तो ये कि उन्होंने जो मैंने जिस वजह से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहा कि लोगों ने देखा और प्रोग्रेसिव वीडियोस के ज़रिए भी देखा, आके भी देखा, यहाँ शजरकारी में हिस्सेदार भी बने और अपना वो आके बच्चे जब लगा के जाते हैं, वो गुजरते हुए चाहते हैं देखें कि उनका कहाँ है वो जो उन्होंने लगाया था, जब उनको वो नज़र आता है। तो ये आपका वर्ड ऑफ माउथ से भी चीज़ फैलती गई, लोगों ने अपने घर में भी बनाए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बने हैं ये इस तरह के पार्क मसलन। लेकिन इतना बड़ा शहर है कि वो अगर आप टॉप से देखें तो ग्रीन कवर अगेन 4 साल के अंदर वो ग्रीन कवर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब पॉलिसी का हिस्सा भी बनाया गया है कि सिंध फॉरेस्ट पॉलिसी में जो अर्बन फॉरेस्ट्री है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट नाउ, पहले नहीं होता था। लेकिन आप खुद ही कह रही हैं ना कि ये पहले पार्क था, डेजिग्नेटेड पार्क था, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिसी, यानी ग्रीन एरियाज, यानी जिसको हम एक मॉर्फोलॉजी कहते हैं अर्बन एरियाज की, उसमें ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस के एक प्रोपोर्शन होता है, तो वो भी तो पॉलिसी थी ना, वो पॉलिसी पॉलिसीज तो बनती जा रही हैं लेकिन नहीं, लेकिन नयापन नहीं था ना वो उसमें। पार्क्स आप बाकी जगह देखिए, कराची के बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं, वहाँ वाटर गजलिंग ग्रास लगी हुई है, वहाँ पेड़ नहीं है, वहाँ पे झाड़ियाँ हैं जिनको मैनिक्योर करके बनी रैबिट बना दिया या कुछ, हाँ जी, डेकोरेटिव पार्क का क्या मकसद, छांव देने वाला दरख्त, ठीक है, नहीं है तो दिन में अगर आप किसी छांव में नहीं बैठ सके और मगरिब के बाद आप पार्क में जाएं और डेंगू के मच्छर से अपने आप को कटवाएं, मेक इट मेक सेंस फॉर मी प्लीज। तो उसके बारे में पॉलिसी बनी, तो इसीलिए जो ठेके दिए जाते हैं ब्यूटिफिकेशन के, जो मीडियंस होते हैं उसके अंदर जो बनी रैबिट्स बना देते हैं छोटे छोटे श्रब्स के साथ, उसके खिलाफ पॉलिसी बनी है, वो सब चीज़ें एड्रेस हुई हैं नई फॉरेस्ट पॉलिसी में जो अब से सिर्फ चंद माह पहले आई थी। और नई फॉरेस्ट पॉलिसी का ताल्लुक सिंध के हवाले से, लेकिन अर्बन एरियाज पर लागू है वो? जी बिल्कुल है, पहले अर्बन फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट पॉलिसी का हिस्सा नहीं थी, अब वो बनाई गई, ये प्रूफ दिखाया कि इस तरह से हो सकता है, जल्दी हो सकता है, क्योंकि हम भी एक तो हम वैसे ही लेट हैं बहुत, और जब हम लेट होते हैं तो हम और जल्दी क्विक फिक्सेस चाहते हैं, सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ नेचुरल क्विक फिक्स अगर आपने अर्बन एरियाज को ग्रीन करना है। तो ये एक सोच अब पकड़ चुकी है, मतलब एक इमेजिनेशन को भी, और इसीलिए वो पॉलिसी के अंदर आप समझते हैं कि ये सोच जो है ये आगे चलेगी और लोग लेकर भागेंगे इसे? मेरे भागने का तो पाकिस्तानी किसी चीज़ में भी नहीं भागते हैं, नहीं हम तो क्रिकेट की मैदान में भागते, मतलब हाँ भागे हैं लेकिन कहाँ पहुँचे हैं हम मतलब वो क्रिकेट में हम भागते तो रहे हैं, हम तो बहुत अरसे से भागते हैं, लेकिन हक मार के हम भाग जाते हैं, तो वो अदालत से भी भाग जाते हैं, है ना, ऐसे ही भागते हैं। सो भागने की बात और है, लेकिन ये कि अच्छी बात ये है कि बहुत से लोग जो इस नई सोच को अब अपना रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग बहुत रिस्क अवर्स हैं, वो नई चीज़ नहीं ट्राई करते, लेकिन यहाँ उन्होंने देखा कर ये कि ये कामयाब हो सकता है, तो फैक्ट्री के मालकान ने अपनी फैक्ट्री के प्रेमिसेस पे भी फॉरेस्ट लगाए हैं और अच्छे खासे बड़े साइज़ के बनाए हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, एक और तरह का फॉरेस्ट है पानी में, उसकी तबाही भी हुई और उसकी तबाही की वजह से समुंदर की तरफ से जो पानी आता है, जो इनलैंड जो आता है, उसका इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि मैंग्रोव्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं शोर लाइन को। मैंग्रोव्स की रीजनरेशन के लिए क्या काम हुआ है ना? काम ये हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है एरिड एरिया मैंग्रोव्स यहाँ हैं, जिसने 300% इजाफा किया है सिंध में, बलूचिस्तान में भी हैं मैंग्रोव्स, लेकिन वहाँ उस तरह का डेल्टा नहीं है, ठीक है, वहाँ के दरिया और तरह के दरिया हैं, और ये दरिया सिंध का डेल्टा है। और ये भी पॉलिसी के तहत हुआ, मतलब ये कोई आगाही आई तो फिर आगाही इसमें आई, उसमें एक मरहूम ताहिर कुरैशी जिनको बाबा मैंग्रोव्स के नाम से याद किया जाता है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, वो बलूचिस्तान से वो स्पीशीज़ लाए जो कि सिंध में हुआ करती थी और नापैद हो चुकी थी, वो अब यहाँ पर थ्राइव करती है, लेकिन यहाँ के मसाइल बहुत, यहाँ देखिए एक चीज़ होती है कि कोई काम आप करें जो बहुत आसानी से हो जाए, और कोई काम उसमें आपको दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ती है। चूँकि सिंध में, दरियाए सिंध में, जो आपने उससे पहले बहने की बात की थी कि पानी बहता है, पानी बहना ज़रूरी है,
लोग कहते हैं समंदर में पानी ज़ाया होता है, नहीं होता ज़ाया। अगर वो समंदर तक नहीं पहुंचता तो आपकी ज़मीन समंदर खा जाता है, जो कि खाई है। सिंध के डेल्टा की हज़ारहा एकड़ ज़मीन बंजर इसलिए हुई कि ऊपर से पानी आके और सिल्ट। हम लोग सिर्फ पानी की बात करते हैं, पानी से ज़्यादा सिल्ट की अहमियत है। वो सिल्ट जब आती है तो हमारा ग्रोइंग डेल्टा हुआ करता था दरियाए सिंध का। अब दरियाए सिंध कोठरी के बाद आप मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए, मैं आपको इनाम दे दूंगी। हाँ, तो फिर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स भी देखने हैं ना जिसमें सरकार ने बहुत तेज़ी से काम किया। वो लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेनेज कनाल है, उसके बाद राइट बैंक आउटफॉल ड्रेनेज कनाल बनी, जिसकी वजह से जो फ्लड वाटर है वो समुंदर तक पहुंचाया गया। और ये नहीं सोचा गया कि जब आप पानी में इजाफा करेंगे और पानी का, तो दूसरा जो बॉडी ऑफ वाटर है उसका पानी कहाँ जाएगा, वो वापस ज़मीन पर आएगा ना। तो जो सिंध दरिया का पानी था, जो सिल्ट लेडन होता है, वो बजाय कि उससे सैलाब आए, सैलाब आया खारे पानी का, नमकीन पानी का। तो ये भी हुआ है ना, ऑफ कोर्स वो एक एलबीओडी का बहुत हुआ है, वो LBOD, जो आरबीओडी है उसमें बाद में तो बनी है। उसमें तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज हुए हैं, इसकी वजह से मंचर लेक हमारी जो है टॉक्सिक हो गई। तो वहां की पूरी कम्युनिटी तबाह हुई। वो मसाइल इसीलिए ना कि वो वाटर मैनेजर्स के डिसीजन नहीं थे, वो इंजीनियरिंग डिसीजन थे। हाँ, तो जब इंजीनियर्स बैठ के ये डिसाइड करेंगे तो फिर आपकी वो मैच मेकिंग नहीं हो रही, कहीं आप ये डबटेल होंगी ये चीज़ें तभी ये होगा। ये आपको चाहिए इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वो भी कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में बड़े अरसे से है। हमारे यहाँ उस पर जो वाटर सेक्टर के लोग हैं, जो एनवायरमेंट के लोग हैं, बड़े अरसे से बात कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे ऊपर होल्ड जो है जो प्रोजेक्ट्स का, वो इंजीनियर्स का है, और इंजीनियर्स की सेंसिटाइजेशन अब कहीं जाके शुरू हुई है। वो इसलिए कि वो ठेकेदारी है ना इसमें इन्वॉल्व, अगेन ना, तो उसमें कमीशन भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आगाही और बेदारी में कमीशन नहीं होता। इसमें हर एक का रोल है, इसमें आपको हर सूरत में एनवायरमेंटलिस्ट साथ में बैठे, इंजीनियर्स के साथ बैठे, आपके कम्युनिकेशन का इतना बड़ा गैप है, जिस वजह से मैंने आपको जैसे बताया कि इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म वैसे नहीं हो रही जिस तरह की होनी चाहिए। ये वो चीज़ है जिसपे हर वक्त और हर शोबे के हवाले से बात होनी चाहिए। जब आप IUCN में थी, उसमें आपने आउटरीच का काम जो है उसको देखा, वो आउटरीच कहाँ तक हुई? देखिए, वो चूँकि IUCN भी एक पॉलिसी का इदारा है, और IUCN पाकिस्तान में थी, मैं वर्ल्ड उसमें ग्लोबल लेवल पर नहीं थी, तो पाकिस्तान के हवाले से उनको जाहिर है बाहर से जितनी नॉलेज आती है, वहाँ जो एक किसी एक चीज़ के बारे में साइंटिफिक डेटा के बाद एक पॉलिसी रेकमेंड की जाती है, पॉलिसी तो सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं ना ये इदारे, उसको लेके हुकूमत तक जाना, आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करके उनको एक टेबल पे बिठाना। IUCN एक कन्वीनिंग बॉडी है, इट्स अ यूनियन जिसके मेंबर्स हैं। IUCN का काम खुद से नहीं है कि वो जाके, लेकिन उन्होंने यूनिट तो बनाया ना, यूनिट है, उसमें कम्युनिकेशंस का था, उसमें पब्लिकेशंस होती थी, उसमें एजुकेशनल पूरा करिकुलम है कि आप किस तरीके से ये इन चीज़ों की आगाही करें, और यहाँ पे वो उर्दू इंग्लिश सिंधी में मौजूद है। तो वो क्या वो ट्रेन हुई, टीचर्स हुई, लेकिन बात यह है कि देन अगेन IUCN उस हद तक जा सकता था, जो टीचर्स ट्रेन होकर गई, वो जिन स्कूल्स ने उनको भेजा था, ये उन्होंने एक तरह से टाइम अवे इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, तो उस इन्वेस्टमेंट से उन्होंने क्या फ़ायदा हासिल किया? कोई नहीं, तो इसका जवाब वो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम सब जब इकट्ठे बैठ के नहीं करेंगे काम, और एक दूसरे के काम पे भी रिविजिट नहीं करेंगे, क्योंकि हर वेलकम बैक नाज़रीन, हम आफिया सलाम से बात कर रहे हैं, और इस वक्त हम बोलो भी के हवाले से ये जानना चाहते हैं कि ये जो अपने आखिरी बात की ब्रेक से पहले कि माँ बाप अकाउंट बना लेते हैं अपने बच्चों के नाम, थोड़ा सा ये समझा दीजिए। अगर मैं आपको एक इसके बारे में कुछ तो लतीफ़े होते हैं ना, एक हकीका बताऊँ, उससे अंदाज़ा होगा। ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक वगैरह, वो उन्होंने 13 साल की उम्र रखी हुई है कि उससे पहले, उससे छोटों के लिए ये प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। एक वो उस पर आपको पता है बर्थडे के नोटिफिकेशन आते हैं ना, सो एक बच्ची जिसको मैं जानती हूँ, उसका आया तो उसमें लिखा होता है कि हाउ मेनी ईयर्स यू आर टुडे। ज़ाहिर है आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर की होती है जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं,
तो उसकी उम्र लगभग कोई 75 साल बन रही थी। 75 साल? जी जनाब, क्योंकि अपनी हो सकता है वो 8, 10, 11 जितने साल की भी थी उसने अपनी उम्र 40 साल लिखवा ली हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूसेज से। वो अचानक मेरी नज़र पड़ी उसकी सालगिरह है तो आई थॉट ऑफ विशिंग हर, मैंने उस पर क्लिक किया तो वो 75 साल उम्र दिखा रही थी उसकी, क्योंकि कई साल पहले अपनी बहुत ज़्यादा उम्र करके अकाउंट खोल लिया। सो ये नहीं, लेकिन उसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि आप एक्सेस कर सकें वो चीज़ जो आपके, क्या चीज़ होती है, आप मूवीज़ की रेटिंग्स होती है ना, तो आपकी जो जो रेटिंग एक अडल्ट रेटिंग है वो आप सिर्फ उसी वक्त में एक्सेस कर सकते हैं जब आप अडल्ट हैं, लेकिन एक बच्चे ने अपनी एज छुपा के उस कंटेंट को एक्सेस किया। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है फेसबुक के पास इस चीज़ को रोकने के लिए? नहीं, फेसबुक तो देखें आप डालते हैं ना अपना डेटा। हाँ, तो यानी बहुत कुछ हो सकता है ना, फेक अकाउंट्स भी होते हैं मेरे, किसी तरह से होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, बेतहाशा फेक अकाउंट्स से। वो आप जब पता चल जाए और कोई रिपोर्ट करे तो फिर एक्शन लिया जाता है। देखिए ये इनकी भी जो है ना, दे आर ऑल्सो लर्निंग विद टाइम। जिस वक्त मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया था और वो मैंने इसलिए बनाया था कि मेरे भांजे की मंगनी हुई थी, तो मैंने कहा भी तस्वीरें भेजो, मुल्क से बाहर रहते हैं। मेरी बहन ने कहा यार पता नहीं क्या चीज़ है उसके ऊपर उसने डाला हुआ है, वो लिंक देखो और कर लो। तो अपेरेंटली ही पोस्टेड ऑन फेसबुक, तो मैंने बनाया एंड आई वॉज एबल टू सी द पिक्चर्स। फास्ट फॉरवर्ड टू द टाइम व्हेन माय डॉटर गॉट मैरिड, शादी के दूसरे दिन जब उसको फ़ोन किया तो उसका भिन्नाता हुआ जवाब आगे से आया कि किस किस को ऐड कर लेती हैं, हु आर दीज पीपल कमेंटिंग ऑन माय वेडिंग पिक्चर्स। अच्छा, मैं तो कर लेती थी ऐड, सहाफ़ी हूँ तो हम तो लिंक्स बनाते रहते हैं, फलां प्रेस क्लब को भी ऐड कर लिया, उसके पीछे कौन है ये तो मुझे नहीं पता ना। तो मैंने वो फेस, आपकी फैमिली का अगर अकाउंट है तो उसमें आप नहीं, फैमिली अकाउंट नहीं, नहीं अपना आपका अकाउंट। उस ज़माने में वो प्राइवेसी की ऑप्शंस नहीं थी, आई एम टॉकिंग ऑफ द अर्ली डेज ऑफ फेसबुक। जैसे जैसे इंसिडेंट्स होते गए उसके साथ साथ उनके प्राइवेसी के ऑप्शंस आते गए, एंड शी हरसेल्फ केम द नेक्स्ट डे, शी सैट ऑन माय कंप्यूटर, शी पुट द प्राइवेसी ऑप्शंस ऑन। मुझे तो पता है मैं तो जब बनाया था बना लिया, तो कोई प्राइवेसी नहीं थी। आफिया, जो ये बात आप कर रही हैं डिजिटल और डिजिटल डेमोक्रेसी की, आप समझती हैं कि हम पूरी तरह से इस डेमोक्रेटिक एक दौर में रह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रह रहे। मैंने आपको अभी मिसाल दी है, somebody can pull the plug on your right to use these platforms, तो कैसा डेमोक्रेटिक दौर है? और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर के बहुत से ममालिक में हैं, इसीलिए इस तरह के फोरम्स आलमी तौर पे बने हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान से कुछ बहुत अच्छे यंग मैन एंड वेमेन आर पार्ट ऑफ दोज फोरम्स, वे दे ब्रिंग दोज लर्निंग्स टू पाकिस्तान, देन दे एंगेज, दे टॉक अबाउट इट, दे फाइट अबाउट इट, कि ये चीज़ें हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। प्राइवेसी के हमारा कोई लॉ नहीं है। ये प्राइवेसी या डिजिटल डेमोक्रेसी के हवाले से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और होनी चाहिए। देखिए कई चीज़ें, कई लॉज आती हैं आफ्टर डिमांड्स। कोई पिटिशन करता है, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाता है, फिर उसके साथ लोग जुड़ते हैं, फिर लॉ के आप वो उसको रिविजिट करते हैं और लॉ में चेंजेस आते हैं। यही एक प्रोसेस है, इट्स स्लो मूविंग, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन इसका क्विक फिक्स नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, साइबर सिक्योरिटी का जो प्रोविज़न है हमारे यहाँ, पूरा साइबर विंग है हमारी, शायद FIA के अंदर है। मैं गई हूँ उनके पास और मैंने कंप्लेन की थी और मुझे ये कहा गया था कि बीबी छोड़ें जी, बस क्यों तमाशा बनवा रही हैं अपना, क्योंकि कंप्लेन करने के लिए एक औरत को वो एविडेंस के तौर पर देना होता है जो पोस्ट जिस भी सोशल मीडिया पे डिजिटली डाली गई है, तो वहाँ आपको डिस्करेज किया जाता है कंप्लेन करने से। जिस तरह आप अदालत में जज के सामने जब खड़े होते हैं, वहाँ ये कहा जाता है कि बीबी आप रात के उस वक्त क्यों वहाँ खड़ी हुई थी, ये तो आपके साथ होना ही था। जी exactly. जब हर तरह का CCPO ये कहे, जी जी, जब अब्यूज़ के बारे में आप कंप्लेन करना चाहें, तो ऐसे माहौल में मतलब कितना हम अपने आप को बार बार पेश करें। देखिए आपने जो पहला सवाल किया था, अगेन मैं उसको रेफ़र करूँगी कि औरत का रोल माशरे में, या उसकी रोल छोड़ दीजिए, रोल तो वही है जो सबने असाइन कर दिया और वो किए चले जा रही है, उसकी हैसियत उसको एक्नॉलेज करना। इसी बोलो भी के तहत एक केस जो है वो फॉलो थ्रू किया गया था और उस औरत को उसकी फैमिली ने कहा था कि तुम करो,
वरना सबसे पहला हर्डल औरतों के लिए उनके घर से होता है कि लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी, नाक कट जाएगी, ये वो. इट टुक 5 years फॉर हर केस टू प्रोसीड. और ये लोग उसके साथ लगे रहे जो लॉयर्स थे, बोले वॉलंटरी तौर पे ये लोग, इन्होंने सब, इन्होंने बहुत काम किया. और 5 साल तक उसके साथ कोर्ट में रोज़ाना बैठना, जिस किस्म का माहौल है हमारे कोर्ट्स का, आई डोंट थिंक आई हैव टू डिस्क्राइब दैट. सो शी वन दैट केस. उसको सज़ा हुई परपेट्रेटर को. और ये सितम ज़रीफ़ी है कि वो सज़ा तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई थी जब, क्योंकि उसको पकड़ तो लिया था, वो डिनाई नहीं कर सका था, आईपी ट्रेस कर ली, टेक्नोलॉजी का कम अज़ कम ये तो, जब करना चाहें ये तो हो सकता करना है ना, चाहें तो दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्युटली. तो किया, लेकिन वो करना चाहें में भी ये परसिस्टेंस थी लोगों की, जो पूरे सिविल सोसाइटी के लोग उस के साथ पीछे लग गए कि ये इसको करें. तो वो बन गया एक आपके पास मॉडल. अभी एक साल गुजरा है उस बात को, तो उसको अब रेफर करके कहा जा सकता है कि ये केसेस सॉल्व हो सकते हैं, जो गुनाहगार है उसको सज़ा हो सकती है, जो बेगुनाह है वो उसकी वैलिडेशन हो सकती है. एक प्रेसिडेंट अभी तक जो है हम सिर्फ ये कहते हैं कि यार होता कुछ नहीं है, बदनामी होती है, रहने दो, मट्टी पाओ, यू नो, इस किस्म के. तो इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ व्हाट आई लर्न फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट. तो आई मीन इट वुड बी वेरी अनफेयर अगर मैं सिर्फ अपनी बेटी की ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ. डिजिटल राइट्स फाउंडेशन निगंदात की फैंटास्टिक वर्क और शी डज, वो लेकर आती है इस तरह की चीज़ें, बाहर की दुनिया से इंगेज करती है और खामोशी से उस, वो उसका जो काम लोगों को नज़र आता है ना, वो इज़ अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. एंड वो किस अपनी पर्सनल मेंटल और इमोशनल पीस की कॉस्ट पे वो ये सब काम करती है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. तो आई, ना सिर्फ वो, और भी हैं इस तरह के, ये पूरा ग्रुप है ऑफ यंगस्टर्स, विच इज़ वाई आई से कि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द न्यूअर जनरेशन, कि वो हमारी तरह से बहुत सी चीज़ें सहने को तैयार नहीं है, जो हमने अगर ना सही होती तो शायद इन लोगों की जिंदगियां कुछ बेहतर होती. ने बोलना सिखाया आपको मुझे एज एन एक्टिविस्ट. आई वॉज नेवर एन एक्टिविस्ट. ठीक है, मैं पॉलिटिकली अवेयर थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया था, लेकिन ये जो इस तरह की सोशल कॉजेज एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली हर वो भी करें, प्लैक कार्ड लेके भी खड़े हों, सड़कों पे नारे भी लगाए, ये सब कुछ मैंने किया इन्हीं लोगों के साथ मिलके. माय पॉइंट इज कि इससे पहले मैंने नहीं किया था एज अ पर्सन, एज आफिया सलाम. आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ माय डॉटर, बोथ माय डॉटर्स. बट योर एंगेजमेंट विद इंडस अर्थ इज अ काइंड ऑफ एक्टिविज्म ना, इन द सेंस कि आई डोंट नो एक्टिविज्म कहें उसको, उस कैटेगरी में लोग एक्टिविस्ट, मोमबत्ती माफिया होता है ना हमारे जैसा. एक्टिविज्म इज नॉट एट ऑल लिमिटेड टू प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट. दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग देम, आप अगर कुछ कर रहे हैं किसी की बेहतरी के लिए विदाउट योर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, तो आई थिंक दैट इज आल्सो एक्टिविज्म. राइटिंग एन आर्टिकल इज एक्टिविज्म, उसमें टेकिंग निशानदेही करना, बिल्कुल एक अमल. एंड आल्सो गोइंग अगेंस्ट, स्विमिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, आप उस चीज के बारे में लिख रहे हैं जब आपको पता है कि उसके खिलाफ बहुत सा काम हो रहा है. इंडस अर्थ में आप क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, मैं काम नहीं कर रही ऐसा, मैं वॉलंटियर हूँ. क्या वॉलंटियर इंडस अर्थ में आप ना कर रही हो? देखिए, मैं यहाँ पे, सो आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम दी पीपल एट इंडस अर्थ. मैंने उनका कम्युनिटीज के साथ जाके काम फील्ड में देखा है. शाहिद खान का काम देखा है मैंने, और उनके बाकी जैसे एजाज हैं और फील्ड के उनके मैनेजर हैं, अब्दुल्ला रजपर हैं, इज़ अ वेटरनेरियन डॉक्टर. ये वो लोग हैं जो कि कम्युनिटीज़ से के साथ जुड़े हुए हैं. उनको उनके असर कम्युनिटीज़ में क्या काम? देखिए, एक तो डिज़ास्टर रेजिलियंस का काम था 2010 के बाद फ्लड्स, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा करीब आई थी इंडस अर्थ के, वरना आई जस्ट न्यू इट एज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ मेम्बर ऑफ IUCN, तब मुझे इनका नाम पता चला था. तो फिर मैंने देखा कि ये एक नई सोच, और वो पीपल सेंट्रिक सोच है, ये टॉप डाउन नहीं है. वो बैठते हैं, पहले पूछते हैं कि आपको तकलीफ़ क्या है, आप चाहते क्या हैं, और अगर हम ये आपके लिए कोई सोल्यूशन लाएं, आपके लिए काबिल कबूल होगा या ये होगा. सो जो भी चीज़ है उसमें वो वहाँ के लोगों के साथ मिलके उनके साथ सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं. उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की सोल्यूशंस दी ऑफ ग्रिड गाँव में, और जो ऑफ ग्रेड नहीं भी थे लेकिन उनके माली हालात तो ऐसे नहीं थे कि बिजली के बिल दे सकें, उनके लिए ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी की, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी, तो उनको जो पढ़ी लिखी नहीं भी थी उनको भी कारोबार सिखाया, उनको एसेट दिए, बकरियाँ दी,
उनको कुछ सिलाई की मशीन दी, किसी को दुकान खोल दी, किसी को ग्रूमिंग वगैरह की सिखा के उनको किट दे दी। वो घरों में जाती हैं लड़कियां अपने ही गांव की, या किसी की ब्राइड्स को तैयार करना। जितने अरसे में आप इनके साथ काम करती रही हैं, आपका ताल्लुक रहा है, तो आपको लगता है कि लोगों की हालात ज़िंदगी बेहतर हुई है इस इलाके में जहाँ? देखिए, उनके तो डेफिनेटली बेहतर हुए हैं आपको जिस इलाके में, मुझे नज़र आता है, वाज़े तौर पर नज़र आता है अब। लेकिन जो, और मैं इसमें टोटली अग्री करती हूँ शाहिद से, इस तरह से ज़िंदगी बदल नहीं सकती कि आपने अगर किसी जगह पे पानी की कमी है तो वहाँ आपने उनको या कुएँ खुदवा दिए, जो या एक और हमारा बहुत वेरी क्लोज टू माय हार्ट वाटर फॉर वेमेन प्रोजेक्ट है, जिसमें वही जो आप पहाड़ों से पानी आने का और पडल्स में उसको खुदवा के बहुत बड़ा कर दिया, ताकि वो जो औरतों को वन वाटर वाटरिंग होल टू द नेक्स्ट, औरतों को ना जाना पड़े वो। लेकिन उसमें ये सेफ पानी तो नहीं है, ठीक है? अगर हम SDG पे नज़र डालें, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, ये पीने के काबिल तो नहीं है, लेकिन उनको पीना पड़ता है। तो जब तक एकेडमिकली जो लफ्ज़ मैंने इंटरसेक्शनैलिटी इस्तेमाल किया, उसको जब आप ट्रांसलेट ऑन ग्राउंड करें तो उसको हम कहेंगे इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, कि वो पीने के पानी की भी फराहमी हो, साफ़ पानी हो, जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं वो हो वहाँ पर। आपने अगर वॉशरूम बनाए हैं तो पानी होना चाहिए, और अगर पानी दिया है तो वॉशरूम होने चाहिए, क्योंकि अगर ओपन डेफिकेशन है तो वो सारा जो गलाजत है वो ज़मीन में लीच करके आपके पानी के ज़खीरे में आ रहा है। हेल्थ केयर के लिए कुछ नहीं है अगर किसी जगह पे, और साथ में एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है, तो वो इसलिए आपको बहुत लोग कहते हैं, मेरा भी यही इंप्रेशन था कि यार कब से हम सुन रहे हैं NGOs ये करती हैं वो करती हैं, को खास पाकिस्तान के क्यों नहीं फ़र्क आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा कि किसी एक इंटरवेंशन से किसी की ज़िंदगी नहीं बदली जा सकती, नामुमकिन है ये। शायद आफिया, इन सारी बातों से तो मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि किसी की एक शख्स की इंटरवेंशन से बदलता तो है माहौल, एक शख्स के द पावर ऑफ वन, लेकिन सबको साथ ले जाना ज़रूरी है। हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें पॉलिसी मेकर्स हैं, उसमें लेजिस्लेशन है, और उसमें ग्रास रूट्स के लोग हैं, उसमें मिडिल क्लास के असातिज़ा हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं। सब लोग जब तक अपना अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो मैं समझते कि ये एक जो अर्बन फॉरेस्ट है, फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ ही महदूद रह जाएगा, जबकि इसका फैलाव शहरों में, दही इलाकों में, पूरे मुल्क में होना चाहिए। पाकिस्तान का एक चौथाई हिस्सा फॉरेस्टेड होता था 75 साल पहले, अभी वो शायद एक 1 सम पे हैं। बस यही मैं कहूँ, आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली 1/8 है जो इस वक्त डिफॉरेस्टेशन हुई है ना। हमारा जो आज का सबक है, जो आफिया सलाम से हमने हासिल किया, वो ये है कि जब तक हम सबको एक साथ नहीं ले जाते तो हम बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका हल हमारे सामने भी हो हम उसे ढूंढ नहीं सकेंगे। वो हमारे सामने बेशक दरख्तों के पीछे छुपा हो, पानी के अंदर हो, लेकिन इकट्ठे उसे ढूंढना पड़ेगा। और जिस तरह इस चिड़िया की बहुत खूबसूरत आवाज़, इसकी चहक जो आई है, इसी तरह हम भी बोलें, आवाज़ उठाएं, तभी कोई फ़र्क पड़ेगा। आइंदा आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, किससे मुलाकात करेंगे ये देखते रहें। तब तक आबाद रहें, खुश रहें, महफूज रहें।